दिस पॉइंट एंड ट्रेड उठाने का मैंने सीधा सच्चा मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ ही एनालिसिस शेयर करूं। सबसे पहले मैं इंडिकेटर्स को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ। मैंने सिंपल तीन इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, 50 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज और 8 मूविंग एवरेज। ठीक है, 8 मूविंग एवरेज के नीचे निकलते ही मैंने ये ट्रेड को ले लिया था। ठीक है, इस ट्रेड की पूरी एनालिसिस और उसकी क्या स्ट्रैटेजी थी पूरा मैं यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ आप लोगों के साथ। तो या वीडियो का एंड तक बने रहिएगा एंड मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तीन इंडिकेटर्स एंड 8 मूविंग एवरेज के नीचे निकलते ही मैंने यहाँ पर ट्रेड उठा लिया था, ऊपर जा करके जब इसने नीचे गया था तब। ठीक है, सो कैसे किया था, क्या किया था, ये सारी चीज़ें मैं अपडेट करूँगा एंड अपन लोग बने रहेंगे आखिरी तक। सो गाइस, टाइम हो चुका है 11:17 एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है। तो क्या होता है मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूँगा। सो गाइज, टाइम इज 11:35 AM एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो कैंडल फेल हुई एंड एक बुलिश मोमेंट आया यहाँ पर एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो इसने ऊपर के लेवल को एक रीटेस्ट किया एंड यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई अलग से। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके बाद क्या होता है एंड आई विल बी कीपिंग यू अपडेटेड। सो गाइज, राइट नाउ टाइम इज 11:50 एंड आप देख सकते हो कि पिछली 15 मिनट की कैंडल पर, मैं यहाँ पे पेन से दिखाता हूँ आपको, पिछली 15 मिनट की कैंडल पर एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ठीक है, सो यहाँ से अपन ये चीज़ बता सकते हैं कि बियरिश मोमेंट अभी यहाँ पर मार्केट में चालू ही है। ठीक है, सो अपन देखते हैं अपना यहाँ पर कब तक चलता है एंड ठीक है, आई विल कीप यू अपडेटिंग विद दिस एंड या लेट्स सी गाइस। सो गाइस, राइट नाउ टाइम इज 12 PM है ना एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रेड जो है हमारे डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुका है, बट 3 बजे से पहले ये हमारे टारगेट को हिट करता है या नहीं वो भी हमें देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो या लेट्स सी। सो जस्ट हैव अ लुक गाइस कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा है एंड हमको यहाँ पर अब कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जितना भी फियर एंड ग्रीड वाला पार्ट था वो जा चुका है एंड इसलिए मैं कहता हूँ गाइस कि देखो, जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि एक इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है बट उसका अपोजिट हुआ यहाँ पर। ठीक है, राइट, मैं इसको हटाता हूँ। ओके, तो जब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है बट क्लोजिंग इसकी ऊपर हुई, ठीक है, तो मार्केट आपको पूरी तरीके से टेस्ट करेगा रिवॉर्ड करने से पहले। ठीक है, मार्केट आपको इनाम देने से पहले पूरी तरीके से टेस्ट करेगा। ठीक है, तो या मैं इसके बारे में आपको अभी एट द एंड ऑफ वीडियो और डिटेल में बात करूंगा एंड क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ये एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए। सो गाइज, मैंने करेंटली अभी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ एंड टेकिंग दिस टू द बिलो पॉइंट, है ना। पिछला जो हाई था मैं यहाँ पर इसको ट्रेल कर रहा हूँ एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपन। सो गाइज, टाइम इज 12:15 एंड आप देख सकते हो 15 मिनट की कैंडल एक गैप डाउन के साथ में ओपन हुई है। तो यार ये गैप फिलिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर आ सकता है एंड अगेन फिर अपने डायरेक्शन कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, अब 5 मिनट की, सॉरी ये 5 मिनट की कैंडल थी एंड मैं आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ। 15 मिनट की कैंडल जो हुई है, वाह ये रे कितनी प्यारी कैंडल बनी है। ठीक है, तो सी यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ रहा होगा कि क्या किया है अपन ने, क्या हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। सो गाइस, करेंटली टाइम इज 12:24 एंड आप देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे डायरेक्शन को पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। ठीक है, पूरी तरीके से सपोर्ट हुआ है एंड अभी जस्ट टारगेट इस कैंडल में या इसके अगली कैंडल में हिट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है,
तो लेट्स सी व्हाट्स हैपन। सो गाइस इट इज 12:35 एंड आप देख सकते हो कि ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पिछली बार भी यहाँ तक गया था, इस लेवल के ऊपर आकर के यहाँ पर एक बुलिश मोमेंट आया था। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। सो या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक बुलिश मोमेंट आया था एंड वापस से ऊपर चला गया। कूल, तो मैं अब यहाँ पर तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नहीं, सीधी सी बात है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पे एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पर या फिर इसके पहले ही यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यानी कि इसी एरिया पे मैं यहाँ पर एग्जिट करने वाला हूँ। ऑल राइट, सो गाइस टाइम हो रहा है 11:12:40 और स्टॉक ने हमारे टारगेट को कर दिया है हिट। ठीक है, कूल, हमारा टारगेट हो गया हिट, यानी कि हम लोग प्रॉफिट के साथ निकल गए। कितना प्रॉफिट हुआ है ये आप लोग देख सकते हो। तो अब देखो यार, मैं आप लोगों को ना यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट जो है, देखो बेसिकली स्टॉक मार्केट ना आपको पूरी तरीके से टेस्ट करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट आपको रिवॉर्ड करने से पहले पूरी तरीके से टेस्ट कर लेता है कि आप लोग भाई रिवॉर्ड के लायक हो कि नहीं। ठीक है, तो क्या होता है यार, देखो फियर एंड ग्रीड स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े आप लोग के ना विलन होते हैं, दुश्मन होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इनसे हमेशा हमेशा लड़ना होता है। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में फियर और ग्रीड से आप कैसे जीत पाओगे? तो भाई मैं पर्सनली, जो मेरी बुक है, आपका रिलीजियस ओपिनियन को साइड में रख करके, श्रीमद भगवद गीता आपकी फियर और ग्रीड इन दोनों पर पूरी तरीके से काम करेगी एंड आपके मन से फियर और ग्रीड दोनों को हटा देगी। ठीक है, अब आपका कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो तो आप उसको मत पढ़ना एंड जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, मैंने खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। ऑल राइट, फियर और ग्रीड के अलावा जो आपको ट्रेडिंग सीखनी है होगा अगर, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप जस्ट क्लिक करके मेरे को मैसेज कर सकते हो या फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हो, जैसी भी मर्जी हो, जो भी नीचे लिंक हो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लेना एंड वो डिटेल्स चेक कर लेना कि मैंने कहाँ पर क्या क्या किया था। ठीक है, तो आप ये वीडियो को फिर से देख लेना एंड थोड़ा स्पीड बढ़ा करके मैंने कब किस पॉइंट पर क्या क्या चीज़ें बताई थी वो आप देख लेना एंड वहाँ से आप सीख सकते हो। ऑल राइट गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ऑल राइट गाइज, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।